Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी एक छोटा सा स्पीकर ढूंढ रहे हो, ब्लूटूथ वायरलेस स्पीकर, जिससे लगे कि थोड़ा पार्टी सार्टी भी हो जाए, या फिर एक ऐसा कम बजट का स्पीकर ढूंढ रहे हो ताकि आपको फायदे फायदे मिले, तो मेरे पास इसका एक परमानेंट सोल्यूशन है। दोस्तों, मेरे पास ये एक मीवी का ये मूनस्टोन ब्लूटूथ स्पीकर, ये 10 वाट का स्पीकर है, और ये मैंने अभी जो मीवी के हाल ही में जो सेल चल रही है 2020, उसमें से परचेज किया है। काफ़ी सोच विचार समझने के बाद मुझे लगा कि वीडियो ना बनाऊं, लेकिन सोचा कि हाँ वीडियो बना दूं, क्योंकि बहुत सारे मिक्सअप इसके रिव्यूज़ भी मैंने पढ़े थे, लेकिन कहते क्या ना कि जब तक इस कोई चीज़ पर्सनली ना यूज़ करो, तब तक हम नहीं बोल सकते कि हाँ क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो इसे मैं पर्सनली यूज़ किया, तब जाके मैं इस कंक्लूजन पार्ट में पहुंचा कि हाँ मैं वीडियो इसका बना के आप लोग को बताऊं कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इस ब्लूटूथ स्पीकर का, यानी मूनस्टोन का। अगर इस ब्लूटूथ स्पीकर की फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं, तो इसमें हमें 4 डॉट बटन देखने को मिलती है। जो सबसे पहले पावर ऑन ऑफ की बटन है, उसके बाद है वॉल्यूम अप एंड डाउन की बटन है, ऊपर है प्ले एंड पॉज, यानी गाना चेंज करने की वजह से आप म्यूजिक भी चेंज कर सकते हो, कॉल भी पिक कर सकते हो, कॉल डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। अगर इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, तो ये एक प्लास्टिक डिजाइन है, इसमें 1500 mAh की बैटरी है, पीछे की तरफ ये एक डुअल बैंड साइड का टेप भी दिया हो ताकि इसे दीवार पे मार्कअप कर सके। अगर इसके कलर ऑप्शंस की बात करूं, तो बेसिकली ये 4 कलर में अवेलेबल है ऑनलाइन वेबसाइट्स में। अगर आप चाहो तो इसे ब्लैक, ग्रे, यानी ऑरेंज और रेड में ऑप्शंस में खरीद सकते हैं। अगर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात करूं, तो बहुत ही ज्यादा सीमलेस कनेक्टिविटी है, इसे कनेक्ट करना भी आसान है। आपको बता दूं, यहां पे एक ब्लू कलर की लाइट भी ब्लिंक करती है, जैसे आप पावर ऑन बटन को आप प्रेस करोगे, यहां एक ब्लू कलर की लाइट ब्लिंक करेगी। देन आपके फोन पे एक मीवीस्टोन ब्लूटूथ स्पीकर के नाम से एक लिंक होगी, देन आप पेयर कर दो। दूसरा चीज, अगर आप बंद कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो, तो सीमलेस पेयरिंग सिस्टम इसका बहुत ही एडवांस तरीके से काम करता है, यानी ये तुरंत कनेक्ट हो जाता है, ज्यादा लेट नहीं लगती या हमें डिवाइस खोल के हमें वापस कनेक्ट करना पड़े। दूसरा इसका ऑप्शन जो ब्लूटूथ वर्जन है 4.2 है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होती है इसकी बैटरी बैकअप, आखिर हमें इसमें कितना बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। तो बता दूं, इसमें 1500 mAh की बैटरी है। मैंने खुद इसे 0 से लेके 100 तक चार्ज करने के बाद इसे 80% वैल्यू में 4-4.5 घंटे तक मैंने यूज किया कंटिन्यू, बिना कोई ड्रॉप आउट किए हुए। देन अगर 50% के अप्रोक्स वैल्यूम रखता हूं, तो इसका बैटरी बैकअप करीब 5 से 6 दे सकता है। अगर 80% में सुनता हूं, तो इसका बैटरी बैकअप 5 घंटे का है, तो यानी हाँ, मेरे हिसाब से ओवरऑल बैटरी बैकअप परफेक्ट है। दूसरा चीज, इसका जो साउंड क्वालिटी, क्योंकि सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहला बैटरी होती है, इसके बाद उसकी साउंड क्वालिटी होगी। तो अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूं, तो साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा मुझे इंप्रूवमेंट लगी, थोड़ा इंप्रूवमेंट का जो लगा क्या है, क्योंकि अगर आप लोग बेसिकली बेस के शौकीन हो, मतलब आपको बेस ज्यादा पसंद है, तो थोड़ा सा कहीं आपको निराश हो सकते हो, अदरवाइज मेरे हिसाब से इंप्रूवमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आगे बात करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं इसके बॉक्स कंटेंट में, कि हमें इस बॉक्स में अंदर क्या क्या देखने को मिलता है इसके साथ साथ, देन उसके बाद हम बात करेंगे इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में, कि आखिर हमें कितना लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक फाइनल कंक्लूजन पार्ट होता है कि क्या प्राइस रेंज के साथ आता है, क्या इसके प्रॉस है, क्या कंसर्न है, देन उसके बाद हम बात करेंगे इसके फाइनल कंक्लूजन पार्ट के बारे में, कि आखिर हमें क्यों लेना चाहिए क्या नहीं लेने। तो फटाफट नजर डालते हैं इस बॉक्स के अंदर कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अगर बॉक्स के फिजिकल ओवरव्यू की बात करें, तो यहाँ पे दिया ब्लूटूथ स्पीकर का नाम, यहाँ पे HD साउंड इसमें देता है, इसका पीक आउटपुट देगा, ऊपर की साइड इसका लोगो दिया पार्टी ऑन द गो, और यहाँ पे इसका बना डिजाइन। राइट हैंड साइड की बात करें, तो यहाँ पे नीचे की तरफ मीवी की ब्रांडिंग है, ऊपर स्पीकर का नाम है। अगर ऊपर साइड की बात करें, तो पूरा ब्लैंक है। पीछे लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, तो सेम इसमें ही जैसे राइट हैंड साइड में है। अगर इसके पीछे की तरफ बात करें, तो यहाँ पे उसके कुछ बेसिक फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि इसका सुपर सॉलिड बास, पावरफुल ऑडियो, प्लेट लॉन्ग एंड लॉन्ग बैटरी अप टू 6 आवर प्लेबैक टाइम। यहाँ तक अगर मैंने इसे यूज किया है अप टू 80% वॉल्यूम पे, तो करीब मुझे 5 का बैकअप दिया है। यहाँ पे इसका ट्रू वायरलेस स्टूडियो, यानी इसके फीचर्स, ऊपर की तरफ प्रीमियम बिल्ट इन सुपर ग्रेड स्प्लैट रेजिस्टेंट, यानी आपको ये IPX5 का सर्टिफिकेट, जिसमें आपको डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस डिजाइन के साथ आता है। पोर्टेबल इजी टू कैरी, मतलब आपको इसमें एक कैरी करने के लोबिन है। यहाँ पे लेगा मिलेगा आपको रिलायबल 1 ईयर बॉन्ड वारंटी। इसका बारकोड, अगर आप चाहो इसकी ऑथेंटिसिटी पहचानने के लिए, तो आप इसे स्कैन करके देख सकते हैं।
सपोर्ट के लिए यहाँ पे ईमेल आईडी और जस्ट कॉन्टैक्ट नंबर। अब जल्दी से फटाफट बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में हमें क्या क्या देखने को मिलता। बॉक्स को ओपन करते ही ऊपर ही मिल जाता है हमारा यहाँ रखा हुआ प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा दुलारा सा स्पीकर। अगर इसको हम यहाँ से ऊपर उठाते हैं तो नीचे की तरफ हमें मिलती है दो केबल्स, एक है हमारी ऑक्स केबल्स और एक है यूएसबी केबल जो इसकी चार्जिंग के लिए। अगर इस स्पीकर के फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एक कैरी केस जो लगेगा। ऊपर की साइड में हमें देंगे कंट्रोल बटन जिसमें है कि ऊपर वाली है पावर ऑफ ऑन, ये वॉल्यूम कंट्रोल है और ये प्ले एंड पॉज की बटन है। नीचे की साइड देखेंगे तो यहाँ पे एक और पोर्ट हमें देखने को मिलेगा। अगर हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एक यूएसबी का पोर्ट दिया होगा चार्जिंग के लिए, साथ के साथ इसमें एक एसडी कार्ड का स्लॉट दिया हुआ और इसमें ऑक्स का दिया है। आपको बता दूं कि इसमें एक बिल्ट इन स्पीकर माइक भी दिया हुआ ताकि अगर आप कॉलिंग अगर आपकी कॉल्स आ जाए तो इसे आप आसानी से कॉल्स भी आंसर कर सकते हैं। तो ये इसका एक बेहतरीन फीचर है। अगर इसके मैं पीछे की तरफ बात करूं तो यहाँ पे मीवी की ब्रांडिंग के साथ साथ मिलती है। तो ये रहे कुछ ओवरऑल इस बॉक्स के कंटेंट जो हमें इस स्पीकर बॉक्स में हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके बेसिकली फीचर्स के बारे में कि हमें इसमें क्या क्या देखने को मिलता है और क्या क्या इसके हाइलाइटेड फीचर है और आखिर मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ कैसा रहा। अगर मैं इस ब्लूटूथ स्पीकर के कनेक्टिविटी की बात करूं तो इसमें ब्लूटूथ का वर्जन 4.2, साथ के साथ इसमें साइड में एक ऑक्स पोर्ट एंड एसडी कार्ड पोर्ट भी देखने को मिलता है। यहां पे दिया हुआ यूएसबी का पोर्ट, यूएसबी सी केबल नहीं, इसमें नॉर्मल यूएसबी है जिससे इस स्पीकर को चार्ज किया जा सकता है। अगर बात करें इसके कंट्रोल बटन की तो मैंने आपको बता दिया पीछे चार कंट्रोल बटन है। कनेक्टिविटी की बात करें तो हाँ, कनेक्टिविटी की बात करें कि इसे हम किस किस डिवाइस तो ऑल अदर फोन्स यानी iOS एंड विंडोज मैंने दोनों डिवाइसेस में कनेक्ट करके देखा, दोनों में सीमलेस कनेक्शन है, कोई मुझे इश्यू नहीं आया। दूसरा चीज इसका सबसे ज्यादा फायदा इस चीज का है कि इसमें एक ना इनबिल्ट माइक भी दिया हुआ है। यहाँ पे इस कॉर्नर पे देख सकते हैं इसमें एक इनबिल्ट माइक भी दिया है जिसके द्वारा आप इसमें कॉल आंसर्स कर सकते हैं, यानी कि आप इसमें कॉल इनकमिंग कॉल आंसर आराम से कर सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा मुझे इसका एक बेस्ट पार्ट लगे क्योंकि अब कभी कभार होता है ना कि जैसे हम घर पे म्यूजिक वगैरह बजाते हैं इनकमिंग कॉल्स आई, अगर हम चाहते हैं कि कोई उठा ले मतलब हम सबके सामने सुन सकते हैं तो इसका एक बेसिकली पार्ट लगे, कहीं ऐसा नहीं कि इसमें डिस्कनेक्ट करके हमें फोन को हमें कान पे लेकर आंसर्स करना पड़े। तो ये एक सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट लगा मुझे। अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस कहूं इस स्पीकर का तो मुझे थोड़ा सा कहीं इसकी कनेक्टिविटी में इशू लगा, वो भी तब अगर आप टॉप फ्लोर पे रह रहे हो मतलब ऊपर रह रहे हो और घर के बाहर है, अगर हवा चल रही है तो इसका थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू आ रहा, अगर हवा नहीं चल रही है तो आपको इसमें 10 मीटर के अप्रॉक्स में आप कनेक्टिविटी देखने को मिल सकती है। साउंड क्वालिटी काफी बेहतरीन है, मुझे काफी अच्छी लगी। अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो यह अपनी प्राइस में जस्टिफाई करता है। अगर अभी आप मीवी की सेल में जाओगे तो उसमें आपको 350 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, नहीं तो ओवरऑल प्राइस इसकी 1599 रुपए है जबकि मैंने इसे 1299 का प्रॉस खरीदा है। तो अगर मैं अपना पर्सनल सजेशन स्पीकर के लिए कहूं तो ये 10 वाट का स्पीकर आपके लिए बहुत एक मिनी पार्टी लॉन बन सकता है। इसे आप म्यूजिक एक सिंगल रूम में आसानी से मतलब काफी लाउडली सुन सकते हैं। तो ये थे एक्सपीरियंस इस नए मीवी के बॉक्स के साथ। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो या आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो या कुछ आपको लगे स्पीकर्स को लेके तो मुझे डेफिनेटली कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना, मैं आपको डेफिनेटली आंसर्स करूंगा अपने इस नए स्पीकर के बारे में। आपको बता दूं फिर भी आपको कहता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ही बेहतरीन रहा और दूसरी चीज इसमें मुझे कनेक्टिविटी का कोई भी इशू नहीं लगा, क्योंकि अगर आप मिक्सअप रिव्यू पढ़ोगे फ्लिपकार्ट amazon.in में तो आपको दो रिव्यूज ज्यादा आपको मिलेंगे। सबसे पहला बात इसकी कनेक्टिविटी का, दूसरा इसका बैटरी बैकअप का, मुझे दोनों में कोई इश्यू नहीं लगा। बैटरी बैकअप जितना चाहिए उस हिसाब से प्राइस के हिसाब से ये बैटरी बैकअप उतना मुझे दिया है और दूसरी चीज कनेक्टिविटी का मुझे इशू बिल्कुल भी नहीं ना। तो दोस्तों ये थे फिलहाल इस मेरे पर्सनली कुछ सजेशन इस नए ब्लूटूथ स्पीकर के साथ जिसका नाम है Moonstone ब्लूटूथ स्पीकर बीवी का। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप एक बार उसे जरूर चेकआउट करके देखें। मिलता हूं आपसे एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, तब तक टेक केयर, बाय बाय। दोस्तों बस फिलहाल के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको स्पीकर की कसम वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना, अब मैं उस बात को जरूर डेफिनेटली आंसर्स करूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए।
मिलता हूं आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।